आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कल बातचीत के जरिए ममता बनर्जी मामले को शांत करवाना चाहती थी, खत्म करवाना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के पास में बंगाल सरकार की ओर से एक आधिकारिक ईमेल आई, लेकिन कोई भी डॉक्टर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं पहुंचा और उन्होंने धरना जारी रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस अधिकारी को हटाने के लिए हम धरना दे रहे हैं उसी अधिकारी ने बातचीत के लिए ईमेल भेजा था। आज एक बार फिर ममता बनर्जी डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि मेडिकल सेवाओं पर किसी तरह का असर न पड़े, वो फिर से बहाल हो सके। पिछले एक महीने से आरजीकर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। हेल्थ सेक्रेटरी के तरफ से उनको एक मेल जाता है जहाँ पे ये दावा किया जाता है कि वो लोग आए 99 जो उसकी स्टेट सेक्रेटरीट है वहाँ पे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बातचीत करें। स्टूडेंट्स का दावा है कि जिस हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने के लिए उन्हीं के ऑफिस के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वही उन लोगों को मेल डालते हैं तो ये शायद बहुत अपमानजनक है। इसी को लेके स्टूडेंट्स ने यहाँ पे धरना जो है वो कंटिन्यू किया है और उनका दावा है कि अगर सरकार की तरफ से कोई सीनियर उनसे बात करना चाहे तब वो रेडी है बातचीत करने के लिए, लेकिन उनके जो डिमांड्स हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी को हटाना होगा और पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को भी हटाना होगा, ये पहली मांगे जो हैं वो पूरी की जाए, वरना इनके जो धरना है हेल्थ सेक्रेटरी के ऑफिस के बाहर वो जैसे आज रात चल रही है वो लगातार चलेगी। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता।